देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि जहां तक पूरे आप पूरे देश की नजर कोरोना पे थी, आप भी आप बहुत बड़ा एक रोल उस पर आप अदा कर रहे हैं, आप एमएचए पूरा एक नजर रखे हुए है पूरे देश में, इसके बीच में भी आप मौका नहीं चुके और मध्य प्रदेश में आपने जो है सरकार बदल दी, ये ज्योतिरादित्य सिंधिया कू आपने कैसे किया? मैंने नहीं किया है, कांग्रेस के अंदर नेतृत्व के प्रति श्रद्धा कम होने के कारण कू हुआ है। देखिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, इसको बचाने की जिम्मेदारी मेरी कैसे हो सकती है? इसको बचाने की जिम्मेदारी सोनिया जी और राहुल जी की है। उनके यहां से इनके इतने बड़े नेता नाराज होकर इस्तीफे देकर निकल गए, इतना बड़ा ग्रुप निकल गया और किसी ने दल बदल नहीं करा है, सबने इस्तीफे दिए हैं और बाद में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करिए। अब मध्य प्रदेश की जनता तय करेगी इनका फैसला सही था या गलत था, मगर मैं स्पष्ट कर दूं, ये लॉकडाउन होने के पहले हुआ है। महाराष्ट्र में भी इस तरह की बातें चलती रहती हैं कि किसी न किसी दिन इस सरकार को डिस्टेबलाइज करने की जो है एक ऑपोजिशन का हरदम वो रहा है कि जो है भारतीय जनता पार्टी डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना अटैक काफी बढ़ाया इधर बीच कोरोना में। महाराष्ट्र आपको पता है आंकड़े काफी जैसा दिखा रहे हैं, एक काफी गंभीर स्थिति बनी हुई है, तो क्या आपको लगता है वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का एनसीपी से वापस बातचीत शुरू हो सकती है, वहां पर भी कुछ इस तरह की एक प्रतिक्रिया बन सकती है? आपने कहा जनता की बात, आपने कही कि जनता, राहुल जी, जनता अगर नाखुश हो तो सत्ता जी। राहुल जी, आप एक इतने अनुभवी जर्नलिस्ट है, मुझे एक बात बताइए, जब तक ये तीन घटक दल है महाराष्ट्र सरकार के अपने आप में और एक दूसरे के प्रति इनका भरोसा अक्षुण है, सरकार कैसे टूट सकती है? और उनका भरोसा हम तो तोड़ नहीं सकते, जो सरकार में बैठे हैं वही अगर सरकार से नाराज होकर बाहर निकलेंगे तो क्या हो सकता है, कोई नहीं बता सकता। हमने कभी ऐसा प्रयास नहीं किया कि कहीं पर भी अस्थिरता आए, और विशेषकर तब जब कोरोना की लड़ाई चल रही है। नारायण राणे जी ने भी बीच में बात प्रेसिडेंट्स रूल की थी, तो इससे इस बात को और गर्मी मिल गई। नहीं, वो बयान तो दे ही सकते हैं, वो सांसद हैं तो बयान देने में उनको कौन रोक सकता है, उनका भी वाणी स्वतंत्रता का अधिकार है। मगर केंद्र सरकार हर मोर्चे पर महाराष्ट्र सरकार के साथ खड़ी रही है कोविड की लड़ाई में। मैं आता हूं वेस्ट बंगाल की ओर। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी, पिछले काफी महीनों देखा गया है कि वो कोई भी केंद्र पर एक अटैक करने में चूकती नहीं है। आपसे आपके ऊपर तो खास करके ये तक कहा है कि अमित शाह जी खुद ही क्यों नहीं बंगाल की सरकार चला लेते हैं, एक तानाशाही का माहौल बना हुआ है और जो है जो चाहते हैं बिना किसी से पूछे। राहुल मुझे सुन लो, पहले एक बात का जवाब दे दूं, मैं तो नहीं चला सकता जी जी, मैं सांसद हूं, बंगाल में जाकर मैं सरकार नहीं चला सकता, मगर इनकी इच्छा भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार चलाए वो बंगाल की जनता बहुत जल्द पूरी करने वाली है। चुनाव होने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी वहां पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। जिस प्रकार की अव्यवस्था वहां फैली है, बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है, तो उन्होंने ठीक ही कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार चला ले, उनकी मनसा बंगाल की जनता जल्दी पूरी कर दे। बीच में अभी कोरोना वायरस को लेकर भी उन्होंने कहा